इतनी बेहतरी बताएंगे वफाकी वज़ीरे ख़ज़ाना शौकत करें। मौजूदा साल के माशी अशारियों और कारकर्दगी का अहाता किया जाएगा। अदाद शुमार के मुताबिक बेशर माशी अहदाफ हासिल कर लिए गए। सनअती और ज़रई पैदावार में बेहतरी, टैक्स रेवेन्यू और तरसीलाते ज़र में इजाफा हुआ, करंट अकाउंट सरप्लस रहा। इसके अलावा ज़रई मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ। माशी तरक्की की रफ्तार, डॉलर्स की भरमार, मालियाती साल में कैसा रहा किसका किरदार, इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन हुकूमत की माशी कारकर्दगी के अदादो शुमार कौम के सामने रखेंगे। सर्वे के मुताबिक माशी तरक्की 3.4% रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 8.9% तरक्की की। सालाना फीकस आमदनी 13% इजाफे से $1543 हो गई। करंट अकाउंट $77 करोड़ सरप्लस रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर $23.29 अरब हो गए। माशी तरक्की में बेहतरी के बावजूद महंगाई हुकूमती हदफ से बाहर रही। सर्वे के मुताबिक महंगाई की शरह 8.8% रही। बैरूनी कर्जों और तिजारती खसारे में इजाफा हुआ। बैरूनी कर्ज 3% इजाफे से $116 अरब 30 करोड़ हो गया। 10 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी 33% रही। 11 माह में टैक्स आमदनी 41 अरब 73 करोड़ रही। अदाद शुमार के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू और ज़रई पैदावार में बेहतरी आई। गन्ने, गंदम, मकई और चावल की पैदावार में इजाफा हुआ, जबकि कपास की पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गयी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट कल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। वफाकी बजट का हजम 8,000 अरब रुपए से जायद होगा। सालाना तरक्याती बजट 21 खरब रुपए, जबकि टैक्स आमदनी का तखमीना 58 खरब रुपए मुतवक्के है। बजट खसारे का अंदाजा 35 खरब रुपए लगाया गया है। वफाकी बजट का ऐलान कल होगा। बजट में 500 टैरिफ लाइंस खत्म करने के साथ टैक्स छूट का खात्मा जेरे गौर है। ज़राए के मुताबिक माली साल 21-22 के बजट का हजम 8,000 अरब रुपए होगा, जिसमें सालाना तरक्याती अखराजात का तखमीना 21 खरब रुपए और टैक्स आमदन का हदफ 58 खरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। बजट का सारा 35 अरब रुपए मुतवक्के है। दिफा के लिए 1320 अरब रुपए मुख्तस किए जा सकते हैं। आइंदा माली साल माशी तरक्की का अंदाजा 4.8% होगा। ज़राअत का 3.5%, सनअती शोबे का 6.5% और खिदमात के शोबे की तरक्की का तखमीना 4.8% लगाया गया है। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की तफसीलात आज न्यूज ने हासिल कर ली है। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपए होगा। वफाकी वजारतों को 672 अरब रुपए, आबी वसाइल के लिए 110 अरब रुपए और हायर एजुकेशन कमीशन को 37 अरब रुपए मिलेंगे। आइंदा माली साल तरक्याती बजट में से तरक्याती कामों के लिए 94 अरब रुपए, वजारत मनसूबाबंदी के लिए 99 अरब 25 करोड़ रुपए हैं। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 61 अरब का बजट मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल रेलवे डिवीजन के लिए 30 अरब रुपए, वजारत दाखिला के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपए होगा। वफाकी वजारतों को 600 अरब रुपए, आबी वसाइल के लिए 110 अरब रुपए और हायर एजुकेशन कमीशन को 37 अरब रुपए मिलेंगे। आइंदा माली साल तरक्याती बजट में से तरक्याती कामों के लिए 94 अरब रुपए, वजारत मनसूबाबंदी के लिए 99 अरब 25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे यासर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासर बताइएगा। यासर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, नाजरीन को अपडेट करें। वफाकी तरक्याती बजट जिसका हजम 900 अरब रुपए होगा, वफाकी वजारतों को 672 अरब रुपए, आबी वसाइल के लिए 110 अरब रुपए और हायर एजुकेशन कमीशन को 37 अरब रुपए मिलेंगे। बिल्कुल, आइंदा माली साल तरक्याती बजट में से तरक्याती कामों के लिए 94 अरब रुपए, वजारत मनसूबाबंदी के लिए 99 अरब 25 करोड़ रुपए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे यासर नजर से। जी यासर नजर बताएगा मजीद क्या तफसीलात हैं।
जी बिल्कुल, सालाना जो तरक्याती बजट है उसकी दस्तावेजात जो है आज न्यूज ने हासिल की है। मजमुई तौर पे 900 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है। इससे पहले के मजमुई जो बजट है वो बताएं, ये बताएं कि जो गुज़श्ता साल बजट था वो भी ज्यादातर बजट जो है तरक्याती बजट वो भी इस्तेमाल नहीं हो सका था। अभी हुकूमत ने 900 अरब रुपए का जो मजमुई तरक्याती बजट रखा है, इसमें जो रेलवे का महकमा है इसके लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। हालांकि इसके जो डेवलपमेंट बजट है इसके लिए ज्यादा रकम रखनी चाहिए थी, पटरीज और जो दीगर चीजें हैं इस हवाले से वो भी इसमें बेहतरी होनी थी। इसके साथ साथ मजमुई जो वजारतों के लिए बजट है 672 अरब रुपए का बजट रखा गया है। इसमें जो एविएशन डिवीजन है इसके लिए 14 अरब रुपए से जायद का बजट रखा गया है। इसके साथ साथ कबीना डिवीजन के लिए 56 अरब रुपए और जो मौसमियाती तब्दीली है इसके लिए भी 14 अरब रुपए का बजट रखा गया है। साथ साथ जो कॉमर्स डिवीजन है इसके लिए भी 30 करोड़ रुपए का रखा गया है, जबकि वजारत तालीम का जो तरक्याती बजट है इसके लिए भी 9 अरब रुपए रखे गए हैं। इसके साथ साथ वजारत खजाना के लिए जो तरक्याती बजट है उसके लिए 94 अरब, जबकि हायर एजुकेशन के लिए जो रखे गए हैं वो 37 अरब रुपए हैं। हाउसिंग के लिए 14 अरब 94 करोड़ रुपए, जो इतलात नशरियात का जो बजट है 1 अरब 1 करोड़ और 84 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। साथ साथ जो वजारत दाखिला का तरक्याती बजट है उसके लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं, कश्मीर के लिए 61 अरब रुपए और हेल्थ का जो शोबा है इसके लिए 122 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट है वो रखा गया है। तो इस तरह आपको बताएं कि गुज़श्ता साल जो बजट रखा गया था उसमें भी तरक्याती बजट में से ज्यादातर बजट जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सका था। अब देखना होगा कि 900 अरब रुपए का जो वजारतों का तरक्याती बजट है इसको हुकूमत किस हिकमत अमली के साथ एक साल के अंदर मुकम्मल करती है और कितने तरक्याती मनसूबे जो है वो मुकम्मल करती है, और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट का बजट है उसको किस तरह लेके आगे चलती है। तो अब मजमुई तौर पर जो दस्तावेजात हमारे पास मौजूद है इसमें वफाकी वजारतों के लिए 672 अरब रुपए का जो बजट है वो रखा गया है, और मजमुई जो तरक्याती बजट है 900 अरब रुपए इसकी जो हुजम है मालियत है वो बनती है। आज न्यूज़ ने बजट दस्तावेज हासिल कर ली है, इसी के बारे में हमें अपडेट से नजर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के रेवेन्यू में 70% हिस्सा मिलाने वाले शहर के मकीनों की हालत खराब है। कहते हैं कि हर साल बजट आता है, अदाद शुमार बदलते हैं लेकिन नहीं बदलती तो इस शहर के मकीनों की हालत। तफसीलात क्या है जानेंगे इस रिपोर्ट में। बजट के अदाद और शुमार से अनजान पर हैं महंगाई से शदीद परेशान। ये हैं मुल्क के सबसे ज्यादा कमाने वाले शहर कराची के मकीन, जिन्हें बजट से कोई खास तवक्कात नहीं। उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए ना, आगे नसीब है, चाहे जितने भी बजट आ जाए कुछ भी आ जाए वक्ती तौर पे आपको बता देंगे कि ये चीज है वो चीज नहीं है ऐसा है वैसा है, हमने ये कर दिया हमने ये कर दिया, लेकिन कुछ नहीं है। बजट आएगा तो टैक्स लगेंगे, हर माह आने वाले बिल बढ़ेंगे, लेकिन नहीं बढ़ेगी तो गरीब की तनख्वाह, आखिर गुजारा कैसे होगा। अखराज इतने बढ़ गए हैं और जो है कमाई है नहीं, आमदनी है नहीं, इस वजह से जो है बस गुजारा जिस तरह चल रहा है बस वो आवाम ही जानती है। पहले एक हफ्ते की जो सब्जी लेते थे वो 450 में आ जाता था, आजकल 800-900 में आ रहा है। पहले गोश्त लेते थे 850 का, दो मुर्गी लेते थे, आज वो 1500 के आ रहे हैं। शहरी कहते हैं माशी तरक्की हो या सनती तरक्की, हकीकी तरक्की उस वक्त होगी जब गरीब की जिंदगी बेहतर होगी। पंजाब में भी शहरियों को बजट से उम्मीदें और तवक्कुआत हैं। शहरी तनख्वाहों में इजाफे के साथ अशिया खुरोनोज की कीमतों में कमी की ख्वाहिश रखते हैं। लाहौर से रिपोर्ट देखते हैं। कभी कहा जाता था आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, खैर हालिया दौर में आमदन तो अठन्नी के बराबर ही है मगर खर्चे हजारों में पहुंच गए हैं। महंगाई के सताए शहरियों को रवां बरस के बजट से उम्मीदें तो कम ही हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि हुकूमत ने हर चीज इतनी महंगी कर दी है कि अखराजात चलाना मुश्किल है। लीव दें कुछ उनके लिए कुछ करें, अभी तक तो हमें 3 सालों में तो कुछ नजर नहीं आया। गरीब आवाम का जो है जीना दो भर हो चुका है, उनके लिए हुकूमत रिलीफ का ऐलान करे, उनके लिए आसानियां पैदा करे। सरकारी हो या निजी इदारे का मुलाजिम, हर कोई कम आमदन और बढ़ते अखराजात के बायस तनख्वाहों में इजाफे का मुंतजर है। बजट से कोई नहीं होना, लोगों का गला ही कुटिया जाना, जरी साफ गल है जब के पेंशन वाला आदमी के सारी उम्र इस मुल्क की खिदमत करता है, उसे 7.5% टैक्स लान लगे, जब के उन देने की बजाय
उल्टा लैन लगे। बेइंतहा महंगाई हो गई है और गरीब लोग महंगाई के हाथों पिस गए हैं। खास तौर पर छोटे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर हजरात जो हैं वो खुदकुशी के करीब पहुंचे हुए हैं। आटा, चीनी, दाल, सब्जी और गोश्त, गर्ज तमाम अशिया जरूरिया महंगी से महंगी तरीन होती जा रही हैं। शहरी कहते हैं अवामी रिलीफ के बगैर अब मुस्तहकम हुकूमत बरकरार रखना भी मुश्किल होगा। हुमा भट, आज न्यूज, लाहौर। सनअतकारों ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट से उम्मीदें लगा ली हैं। सनअतकार कहते हैं कि टैक्स की शरह कम की जाए, बिजली और गैस सस्ती की जाए ताकि खित्ते के दीगर ममालिक का मुकाबला करके बरामदात में इजाफा किया जा सके। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से सफदर अब्बास। वफाकी बजट से सनअतकारों को उम्मीदें, कहते हैं बजट में बेहतरी की तवक्को है। टैरिफ लाइंस में कमी से खाम माल सस्ता होगा, लेकिन साथ ही टैक्सों की शरह में कमी भी की जाए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको कम होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को नीचे जाना चाहिए और हमको कम्पीट करने के लिए हमारी कॉम्पिटेटिव जो कंट्रीज हैं, खास करके रीजनल कॉम्पिटेटिव कंट्रीज हैं, उनके बराबर हमारी कॉस्ट को होना चाहिए। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उनकी हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमसे कम है। हम ये नहीं कहते हमें इंसेंटिव चाहिए, उसके बराबर हमारी कॉस्ट है। बजट देखो इस वक्त तो लॉलीपॉप होगा बजट, उसके बाद मिनी बजट जो आएगा वो खतरनाक आएगा। सनअतकारों का कहना है कि एफपीआर में इस्लाहत की जाएं। उनका कहना था कि बजट में रिलीफ से बरामदात में इजाफा मुमकिन होगा। बजट के साथ इस वक्त ये एक्सपेक्टेशन हैं कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मेरा ख्याल है कि हमें शायद कुछ रिलीफ मिले। अच्छी उम्मीदें हैं, हमारी शौकत तरीन साहब से डिस्कशन हुई है और उन्होंने दो चीजों का वादा किया है और उन्होंने ये कहा है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें आउट ऑफ बॉक्स अनाउंसमेंट होंगे। सनअतकारों ने मुतालबा किया कि बजट में बिजनेस कम्युनिटी की शराइत शामिल की जाएं। सनअतकार बजट में रिलीफ का मुतालबा कर रही हैं। इनका कहना है कि बजट में रिलीफ फराहम किया जाए तो एक्सपोर्ट में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन हमीदुल्ला के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज, कराची। मई 2021 में भी तरसीलात ज़र की शानदार कारकर्दगी जारी रही। मुसलसल 12वें माह 2 अरब डॉलर से ज्यादा तरसीलात मौसूल हुई जो कि रिकॉर्ड है। रवा माली साल 11 माह में 26 अरब डॉलर भेजे गए। सऊदी अरब, मुतहद अरब अमारात और बरतानिया सरे फहरिस्त रहे। समंदर पार पाकिस्तानियों का हुकूमत की पॉलिसियों पर इजहार इत्मीनान। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने डॉलर की बरसात कर दी। गुज़श्ता माह 2.5 अरब डॉलर तरसील किए जिसमें मई 2020 की निस्बत 33% से ज़ायद इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से मई के दौरान 26 अरब 70 करोड़ डॉलर तरसील हुए जो गुज़श्ता माली साल से 3 अरब 60 करोड़ डॉलर ज़ायद हैं। सऊदी अरब 7 अरब डॉलर के साथ सरे फहरिस्त रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात से 5 अरब 60 करोड़ डॉलर और बरतानिया से 3 अरब 70 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। सिंध के नए बजट में कराची के लिए 23 अरब रुपए से जायद की 10 तरक्याती स्कीमें तजवीज की गई हैं। नए मंसूबों में पानी की फरहमी की 3 और सड़कों की तामीर की स्कीमें शामिल हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में भी 10 से 15% तक इजाफे का इम्कान है। पीपल्स पार्टी का हुकूमत पर कौमी खजाने को 1000 अरब का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान ने मखसूस सरमायादारों के 2 अरब डॉलर बैरून मुल्क से मंगवाए जिसके बाद शरह सूद 13.25% मुकर्रर करके अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया और फिर ये पैसे वापस कर दिए। पीटीआई हुकूमत की इस मेगा करप्शन पर पार्लियामानी इंक्वायरी की जाए, इमरान खान और उनके साथियों को भागने नहीं दिया जाएगा, एक एक रूपये का हिसाब लेंगे। पीटीआई का बजट अवामी नहीं बल्कि सियासी है, सिलेक्टेड हुकूमत के सिलेक्टेड बजट को नहीं मानते।